किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें या कैसे रिमूव करें। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जिस वेबसाइट में आप चंद सेकेंडों में किसी भी इमेज का बैकग्राउंड वो भी शार्प तरीके से चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। इसके लिए हम सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे remove.bg। जैसे आप remove.bg को सर्च करते हैं, आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है remove.bg की वेबसाइट का लिंक। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं, आपके सामने remove.bg की वेबसाइट ओपन हो जाती है। उसके बाद में सबसे पहला ऑप्शन आता है अपलोड इमेज का। यहां पर आप उस इमेज को अपलोड करेंगे जिस इमेज का बैकग्राउंड या आप चेंज करना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं। उसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिस इमेज का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज की प्रोसेसिंग शुरू हो गई है और थोड़ी देर में आप इस इमेज का बैकग्राउंड ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद में आप चाहे तो यहाँ पर इमेज को बिना बैकग्राउंड के भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड नीचे हो चुकी होगी, आप यहाँ से आप उसको डाउनलोड को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में जो हमने अभी बैकग्राउंड रिमूव किया और इसकी जगह हमें कोई और बैकग्राउंड लगाना है तो आप यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने बैकग्राउंड के ऑप्शन आ जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड दे रखे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी भी एक बैकग्राउंड को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में वो इमेज सेलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ से कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये फ़ोटोज़ को नहीं चाहते, आप यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में कुछ कलर चाहते हैं तो आप कलर को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर वाइट कलर लगाना है तो आप यहाँ पर वाइट कलर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में वाइट कलर आ चुका है। उसके बाद में अगर आप चाहते कोई और कलर हो तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेज मेरे पास में है और उस इमेज को मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर अपलोड बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अपलोड बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उस वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिस इमेज को आप बैकग्राउंड में डालना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं। उसको आप जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि उस इमेज का बैकग्राउंड इस फोटोज़ के पीछे ऑटोमेटिक अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड बटन पर, उसके बाद में डाउनलोड इमेज। जैसे आप डाउनलोड करते हैं आप नीचे देखेंगे कि ये इमेज ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन मैं करता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से इस इमेज की डाउनलोड हो चुकी है, वो भी बैकग्राउंड के साथ में। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेगा। थैंक यू।